हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एरिटोबेंजल्स के बारे में। एरिटोबेंजल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर क्या कंपोजिशन डालेंगे, तो किस प्रकार काम करता है, ये जेल्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये जेल्स को इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो एरिटोबेंजल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या आप ही अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं एरिटोबेंजल, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का जेल्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास जेल्स है उसकी एमआरपी 179। एरिटोबेंजल्स को यूएसवी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एरिटोबेंजल्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें उसके अंदर कंपोजिशन से क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड जेल्स इसके अंदर डाले गए हैं। एरिटोबेंजल्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए उसकी पोरोसिटेंस की बात करें तो इसके अंदर जो क्लिंडामाइसिन है वो 1% वेट बाय वेट्स प्लस निकोटिनामाइड्स 4% वेट बाय वेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। एरिटोबेंजल्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल यह जेल्स ट्रीटमेंट करता है एक्ने में। एरिटोबेंजल्स ये ट्रीट करता है एक्ने में। ये अत्यधिक तेल उत्पादन को कम करके सूजन को कम करता है और ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ने में। ये त्वचा पर पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की रोकथाम में भी मदद करता है। एरिटोबेंजल्स का इस्तेमाल अगर आपके चेहरे पे या फेस पे कुछ दाने या पिंपल्स टाइप या कोई एक्ने टाइप हो गए हैं तो उसके इलाज के लिए एरिटोबेंजल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एरिटोबेंजल्स ट्रीटमेंट करता है एक्ने में। एरिटोबेंजल्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो एरिटोबेंजल्स को केवल अपने अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि आपके जहाँ पे दाने टाइप या पिंपल्स टाइप या एक्ने या स्पॉट टाइप हुआ है उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं। यानी कि ये जेल्स का इस्तेमाल केवल अफेक्टेड एरिया पे इसका इस्तेमाल करें और ये जेल्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। एरिटोबेंजल्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है त्वचा पर पपड़ी बनना, रोगी त्वचा होना, एरिथमा होना यानी कि त्वचा का लाल होना, इस्तेमाल वाली जगह पे जलन होना, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एरिटोबेंजल्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। एरिटोबेंजल्स किस प्रकार काम करता है, एरिटोबेंजल्स के अंदर दो मेडिसिन रहती है, यानी कि क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड्स, जो कि ट्रीट करती है पिंपल्स एक्ने में। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से जो त्वचा में जाकर वहाँ से पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। निकोटिनामाइड्स एक विटामिन बी का एक रूप है, यह त्वचा पर लगाए जाने पर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव डालता है और मुहासे से जुड़ी सूजन, लालपन और टेंडरनेस को कम करता है। एरिटोबेंजल्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में जेल्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एरिटोबेंजल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एरिटोबेंजल्स के बारे में कुछ भी डाउट हो मैं कमेंट सेशन बताएं। एरिटोबेंजल्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी जेल्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।